इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर और अतराफ में हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। आप जिस तरह की तस्वीर यूपी, बिहार और दीगर रियासतों में देख रहे थे, अब कुछ उसी तरह की तस्वीर बेलगाम में भी देखने को मिल रही है। हर रोज कोरोना से मरने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कब्रिस्तान और शमशान दोनों में लाशों की आमद में इजाफा होता जा रहा है। बेलगाम शमशान में एक साथ कई लाशें जलाने की तस्वीर वायरल हुई है, जिससे आवाम में एक बार फिर डर खौफ देखा जा रहा है। तस्वीर के दो रुख देखे जा रहे हैं, जहां मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, मरने वालों की भी तादाद में इजाफा हो रहा है, पर कुछ लोग हैं जो बेखौफ बाजार में नजर आ रहे हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक का वक्त है, जिस कदर भीड़ नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि कोरोना है ही नहीं, पर बाजार का खुला रहना भी बहुत जरूरी है। कुछ ताजिरों ने तो सुबह 6 से 12 बजे तक खुला रखने का मुतालबा पेश किया। वैसे भी मौतों के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा होने के बाद भी आवाम रोज रोटी के खातिर घर से बाहर निकलना चाहती है, लिहाजा पॉजिटिव मरीजों के लेकर मरीजों के साथ घर के लोग भी काफी परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी को भी महसूस किया जा रहा है, पर जितना दूसरे रियासतों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से मरीजों के दम तोड़ने की तस्वीर दिखाई दे रही है, बेलगाम और अतराफ में ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं है। कई सारी तंजीमों ने भी मुफ्त ऑक्सीजन देने के काम को जारी भी रखा है। खैर, आवाम के दिल में अब डर है वो मरीज के मरने का, क्योंकि जितने भी मरीज अस्पताल में जेर इलाज है, उन्हें लेकर घर के अफराद फिक्र में मुब्तला है, क्योंकि एक ज़हनियत यह भी बनती जा रही है और यह देखी जा रही है कि अगर अस्पताल में मरीज को दाखिल किया जाता है तो इसका मरना तय है। पर यह सच नहीं है, यह जरूर है कि कुछ लोगों ने इसमें भी आपदा में अवसर की तरह मरीज को ग्राहक समझ रखा है। हर रोज सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस की वजह से आवाम की सोच भी मनफी बनती जा रही है, और यह कुछ हद तक सच भी है कि कई सारे लोगों के मुतालबात हैं कि अस्पताल में जानबूझकर मारा जा रहा है। खैर, यह उनके उस शख्स को लेकर जज्बात भी होते हैं, लेकिन यह बात आम होती जा रही है कि कुछ डॉक्टर्स कोरोना मरीज को एटीएम समझ रहे हैं। कुछ ने तो महज घर में जाकर ही मरीज को चेकअप करने के लिए हर रोज 15,000 रुपये का दाम तय किया हुआ। आवाम की गुजारिश है, ऐसे वक्त में जब हर कोई परेशान है और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कोरोना को पैसे कमाने का सीजन ना समझे। आवाम से भी कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। बेलगाम जिला अस्पताल में तकरीबन बेड भरे होने की बात कही जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा कारगर होने की भी बात कही जा रही है, पर इस दवा की भी कालाबाजारी जारी है। लिहाजा बेलगाम में ही अब रेमडेसिविर को तैयार करने की इजाजत दे दी गई है। बेलगाम होनगा इंडस्ट्रियल स्टेट में दवा की फैक्ट्री जल्द शुरू की जाएगी। मुदौल के सतीश घारिया को इसकी इजाजत दे दी गई है और आने वाले 20 दिनों में शुरुआत भी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर कुछ ब्रेक जरूर लगाए बेलगाम शहर और अतराफ की बात कहे तो, आज से 18 से 45 उम्र के लोगों का टीकाकरण होना था, पर इससे भी मुलतवी किया गया। बेलगाम जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। सुबह से दोपहर तक इंतजार के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कईयों ने बताया। अगर एक जायजा भी लिया जाए तो किस तरह की बेतरतीबी सेहत महकमा की जानिब से की जा रही है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता। टीकाकरण की तारीख तय की जाती है तो हुकूमत के पास टीका ही नहीं है। अब ऐलान किया गया कि जहां से टीका आना था वहां अब टीका नहीं बनाए, सरकारी सेहत महकमा के दफ्तरों में भी टीका नहीं मिल रहा। पहले सभी से ऑनलाइन बुकिंग की बात कही गई, ऑनलाइन में भी आवाम ने काफी दिलचस्पी दिखाई है और यहां पर बुकिंग भी की, पर टीकाकरण के लिए टीका है कहां। अब आवाम की जानिब से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या निजी अस्पतालों में पैसे देने पर ही टीका मिलेगा, क्या पूरे मुल्क में टीका को लेकर भी तिजारत की जाएगी। खैर, इसी कोरोना दौर के मद्देनजर कल इतवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। आरपीडी कॉलेज में जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी, वहां पर दाखिल होने वालों की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। शनिचर रात 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक दफा 144 लगा दी गई है। वोटों की गिनती का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। कुल 17 कमरे में 34 टेबल रखे गए। सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी। जीत के बाद किसी तरह का जश्न मनाने पर पाबंदी आयद की गई है। पहले वीकेंड कर्फ्यू था, पर जब से मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू को भी रद्द कर दिया गया। आवाम के जहन में यह सवाल था कि क्या शनिचर इतवार भी सुबह से 10 बजे तक बाजार बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। लिहाजा इस बात को नोट करें कि बाजार हर रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। शहर में कई जगहों पर बैरिकेड के जरिए भी रास्तों को बंद किया गया, जिससे आवाम में नाराजगी देखी जा रही है। शिवाजी नगर में इसी तरह बैरिकेड्स लगाने पर नाराजगी का इजहार किया गया, क्योंकि यह बैरिकेड्स कुछ लोगों ने अपनी तरफ से लगवाने की बात
सामने आई है। पुलिस महकमा को चाहिए कि शहर में जहां कहीं आवाम खुद से बैरिकेड लगा रही है तो इन पर फौरी कार्रवाई करे। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि दूसरे देशों में वैक्सीन का जखीरा इकट्ठा किया हुआ है और उनके पास वैक्सीन वैसे भी मौजूद है, जब हमारे पास थी तो तब हमें अपने देश की फिक्र ना करते हुए दूसरे मुल्कों को भेजने की क्या जरूरत थी। बहस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हर मामले में अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो चाहे फैसला लेते रहते। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आत्मनिर्भर का नारा देने वाले अब खुद दूसरे मुल्कों से मदद की उम्मीद कर रहे। बांग्लादेश श्रीलंका जैसे मुल्क भारत की मदद के लिए आ गया रहे। फिलहाल मोदी हुकूमत को लेकर अवाम में काफी रोष गुस्सा देखा जा रहे। मोदी इस्तीफा दे की आवाज भी उठ रही है। अब मोदी के झूठे जुमले सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। गोदी मीडिया काफी हद तक मजबूर हो चुके और अब नया शवों का सिस्टम के नाम पर थोपने की कोशिश की जा रही। इसके लिए अब सिस्टम जिम्मेदार है, यानी एक सिस्टम लफ्ज की इजाद की गई है जिस कदर ऑक्सीजन बेड को लेकर नाकामी हासिल हुई है। विदेशी मीडिया में भी भारत के प्रधानमंत्री की अच्छे से थू थू हो रही है। भारत की गलत नीतियों के कारण ही कोरोना पर काबू पाने में भारत सरकार नाकाम होने की बात कही जा रही है। आज अगर मौत का तांडव देखा जा रहा है, हर तरफ जलती लाशों के अंबार देखे जा रहे हैं, तो इसे पूरी तरह से वजीर आजम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफे की मांग की जा रही है। वैक्सीनेशन की कमी के लिए भी भारत का सरमाएदार तबका यानी पूंजीवादी तबका जिम्मेदार होने की बात कही जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पुनावाला को वायु सुरक्षा दी गई है। कुछ ही दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पुनावाला ने लंदन के मेफेयर में पोलैंड के अरबपति से हर हफ्ता 51 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी किराए पर लिया। यह सौदा लंदन के मियार के हिसाब से, यानी कि लंदन के जो मियार है उसके हिसाब से भी एक रिकॉर्ड बनने वाला सौदा है। और यह हवेली 25,000 स्क्वायर फीट के सबसे बड़े इमारतों में से एक है जो औसत दायरे के मुताबिक 24 ब्रिटिश घरों के बराबर है। जबकि जिन्हें वह अपने यानी वैक्सीन बेचता है, जैसा कि भारत में अदर पुनावाला वैक्सीन बेचते हैं, वही भारतीय लोग अस्पताल में बेड ऑक्सीजन और अफसोस के साथ शमशान या कब्रिस्तान के लिए छीना चपटी में लगे हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में मोदी सरकार क्या कर रही है। इतना जरूर है कि जिस दौर से आज भारत गुजर रहा है, शायद ऐसा वक्त कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मौत भी आ रही है तो कैसे क्या, कोई अपना भी करीब नहीं है, कोई अपना करीब आने को तैयार नहीं है। इससे पहले शायद ऐसा मंजर कभी किसी ने ना देखा होगा। लाशों के इस तरह ढेर का नजर आना, ये हम लोगों के लिए एक पैगाम दे रहा है कि लम्हे में कोई भी फैसला आ सकता है, यानी कि तुम रहोगे या जाओगे। इंसान को कोरोना औकात दिखा रहा है, फिर बेलगाम सदाजी नगर में शमशान में 9 लाशों को एक साथ जलाएगा तो अंजुमन कब्रिस्तान में भी इंतकाल होने वालों की तरह हासिल हो रही है। खासकर सांस लेने की तकलीफ को लेकर मौत हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। जो भी हो, लेकिन मौजूदा हालात में इंसान को इबरत हासिल करनी होगी। जिस तरह इंसान तकबरी घमंड के साथ इतरा रहा था, अब अमीर लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। कुछ तो इससे आज भी साजिश कर रहे हैं, कुछ तो लोग अस्पतालों पर उंगली उठा रहे हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर की वजह से मरने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोस हैं जिनके घर में किसी अफराद की मौत हुई है तो सीधा अस्पताल पर इल्जाम लगाया जा रहा है। और यहां तक कि जिस्मानी अज़ाओं की स्मगलिंग की भी बात की है। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, पर एहतियात बरतना और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत जरूरी है। सभी को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।